हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ मेरी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन, जो हम लोगों ने घर में किया है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, और अगर मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो आप लोग देखिए, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ लंच, मम्मी का जो लंच है वही मैं वीडियो आज का वीडियो लंच से ही शुरू कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। मैंने अभी माँ को दोपहर में खाने को दिया है, जो जिसमें है परवल भाजा, ब्रिंजल भाजा, खसखस, खसखस बड़ा, चिंगड़ी माछ भाजा, आलू भाजा, साग भाजा, मिष्टी और रुई मछली का झोल, साथ में है भात। तो आप लोग देखिए। अभी मैं बनाऊंगी डिनर। डिनर में है मटन का ग्रेवी, फ्राइड राइस और पनीर की सब्ज़ी। और मैं यहाँ मटन में ही डाली हूँ नमक, हल्दी, जीरा डस्ट, मास्टर ऑयल और मसाला का पेस्ट, जिसमें है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट। वही डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करके एक घंटा के लिए छोड़ दी हूँ। और अभी मैंने बारीक प्याज कटा हुआ फ्राई कर रही हूँ। इसके ऊपर ही मैं वही जो मैरिनेट किया हुआ मटन रखा हुआ था उसको भी डाल के अच्छे से फ्राई करके फिर उसमें आलू, फ्राई किया हुआ आलू डाल के सीटी लगा दूँगी। आज का मटन मैं ऐसे सिंपल ही बना रही हूँ। और मैं अभी बनाऊंगी फ्राइड राइस, जिसके लिए मैंने यहाँ पे राइस को पहले ही बॉईल करके रख दिया था, खड़ा मसाला डाल के। और मैं अभी फ्राई कर रही हूँ वेजिटेबल, जिसमें है गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ काजू, किशमिश और खड़ा मसाला। खड़ा मसाला में है लौंग, इलायची और दारुचीनी। राइस को मैंने डाल दिया है और फिर वही जो वेजिटेबल था उसको फ्राई किया हुआ वो भी मैंने डाल दिया है। अब सारे को मिक्स करके इसमें थोड़ा नमक डाल दूंगी और चीनी भी डाल दूंगी। अगर आप लोग बनाते हो अपने हिसाब से डालिएगा। तो ये मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और मेरा हो गया है राइस। और फिर मैं अभी बनाऊंगी पनीर की सब्जी। आप लोग देखिए, इसके लिए मैंने फ्राइंग पैन में तेल लेकर उसी में पनीर डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं फ्राई करूंगी कैप्सिकम और प्याज।
ये भी मेरा फ्राई हो गया है। अभी मैं मसाला फ्राई कर रही हूँ जिसमें है अदरक लहसुन और हरा मिर्च का पेस्ट। मैं मसाला को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अभी मैं नमक डाल रही हूँ। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाल के फ्राई कर रही हूँ। और फिर मैंने वो फ्राई किया हुआ पनीर और सब्जी डाल दिया हूँ। और फिर इसमें पानी ऐड करके और थोड़ा सा सॉस डाल के रेडी कर रही हूँ पनीर का सब्जी। अभी देखिए मेरा बेटा खेल रहा है। मेरा बेटा को मैं पहले ही तैयार करके बैठा दिया था क्योंकि वो रात ज़्यादा रात हो जाता तो वो सो जाता, इसीलिए उसको तैयार करके बैठा दिया था। आप लोग देखिए, ये देखिए मेरे मम्मी का बर्थडे केक। आप लोग बताइएगा ज़रूर मम्मी का बर्थडे केक कैसा हुआ है। अगर आप लोग बताते हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि कैसा हुआ है। ये देखिए मेरा फाइनल लुक। मैंने साइड में पिक्चर लगा दिया है क्योंकि मेरा फुल वीडियो नहीं है। और मेरी मम्मी भी रेडी हो गई है केक काटने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मॉम, हैप्पी बर्थडे टू। मेरे हस्बैंड और मैंने मम्मी को ये जो मम्मी साड़ी पहनी हुई है, ये साड़ी और ये जो बैग है वही गिफ्ट दिया हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा हुआ है बैग और साड़ी। और मेरी माँ सासू माँ मेरी मम्मी को एक गिफ्ट दी है, वो है बेडशीट। अभी मम्मी डिनर करेगी तो आप लोग देखिए और बताइएगा ज़रूर कि आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। और मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और बाय फ्रेंड्स।